ठट। ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 3 पर, और आज भी यहां पर कई सारे टैलेंट यहां पर आए हैं, और भैया भी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। भैया कहां से आए हो आप? मैं भैया ग्वालियर से हूं, उमरा रहता हूं, और मेरे से प्यार से अज्जू बाबा कहते हैं, और मेरा नाम है प्यार से अज्जू बाबा कहते हैं। अज्जू बाबा मेरा नाम है मणिशंकर मीणा कोटा, राजस्थान, सुहास नगर से, डायरेक्ट लाइव ग्वालियर। अच्छा, तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं, राजस्थान में भी आप प्रोग्राम। अच्छा, तो क्या टैलेंट है आप में? मैं आपको शायरी सुना सकता हूँ, आवाज़ सुना सकता हूँ भाई साहब। सुनाइए। तो आपको मैं डॉगी की आवाज़ सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। अब मैं आपको पैरट की आवाज़ सुनाऊंगा। और कौन सी? और भी आवाज़ घुंगरू पायल की है। घुंगरू घुंगरू की आवाज़ भाई साहब, ईगो पे सही आती है वो। नहीं नहीं सुनाइए, वो तो ईगो हम बढ़वा लेंगे। देखो ईगो हो गया, ईगो नहीं हुआ। हाँ हाँ कर दिया, चंदन का लड़का है। अच्छा, बोल दो चंदन के लड़के, चंदन के लड़के ईगो बढ़ा दे, ईगो बढ़ा दे भैया। चंदन के लड़के, चंदन के लड़के ईगो बढ़ा दे, ईगो बढ़ा दे, बढ़ा दिया उसने। तो एक और आपको बात कहना चाहते हैं, वो बेहतरीन। और भाई ओ क्या है, अबे क्रीम बॉल खा गया उसका, पैसे तो दे दे। पैसे लेके रहना। मेरा कहने का ये है, सुख में जो साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, सुख में जो साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और दुख में जो साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। और लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो यार फिर समझ लो चला ही क्या है, चला ही क्या है। और अपने ही मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, बनना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। बहुत शानदार भैया। और एक बार सुनाऊंगा, ये मेरा बेस्ट अल्फाज है। अच्छा, दो शराबी होके नशे में चूर, दो शराबी होके नशे में चूर। हाँ, कहने लगे कल खरीदेंगे हम ताजमहल जरूर, दो शराबी होके नशे में चूर, और कहने लगे कल हम खरीदेंगे ताजमहल जरूर। तो पहले ने कहा सोजा सोजा, अभी रात आधी है, पर नशे की हालत में मेरी बात अभी बाकी है। तो दूसरा चिल्ला उठा, दूसरे ने क्या कहा कि नहीं, इसका तो फैसला हो जाएगा और सवेरा हो जाएगा और पूरे ताज बाग मेरा हो जाएगा। तो पहला क्या कहता है, ऐसा तो मैं हरगिज देखूंगा नहीं, और तू खरीदेगा उसे मैं बेचूंगा नहीं, बेचूंगा नहीं। और ऐसी कोई एक और, एक और मेरी बेस्ट शायरी है जी। हाँ। कि असाकर रुला गया कोई, मैंने खुद ने मनाई भैया, असाकर रुला गया कोई, और मेरे आंखों में आंसू दे गया कोई, और मोहब्बत का दर्द जिंदगी भर के लिए दे गया कोई, खुद तो सीख ना पाया पर मुझे मोहब्बत सिखा गया कोई। अरे वाह वाह, एक और ऐसी हो जाए भाई साहब। तो एक और सुनो, बहुत बेस्ट अल्फाज़ है मेरा। दो साल से भरे हैं आप? नहीं, लॉकडाउन से शायरी अपने पास बहुत है। लॉकडाउन से सुनानी भाई ने किसी को? ये बात तो ठीक है, घरों में बंद थे। मेरी एक शायरी और है, बहुत बढ़िया शायरी है जी। और टूटा हुआ बिगड़ा हुआ लम्हा हूँ मैं, टूटा हुआ बिगड़ा हुआ लम्हा हूँ मैं, और हजारों सालों की दुआ हूँ मैं, उजाला भी डरता है मुझसे नजर मिलाने से, किसी फकीर की छोटी सी कुटिया का दिया हूँ मैं। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। और आपको मैं एक और शायरी सुना रहा हूँ, जो मैंने खुद बनाई हुई है। हाँ। आप लिखते भी हैं? हाँ लिखता हूँ मैं खुद। सुना दीजिए। तो अभी लिखी थी मैंने, बहुत अच्छी शायरी थी वो, क्या बोलते हैं, अच्छी वाली सुनाता हूँ। क्या हमें उनसे मोहब्बत है, हमें उनसे मोहब्बत है, और उन्हें हमारी मोहब्बत पर शक था, उन्हें हमारी मोहब्बत का ऐसा जब हुआ जब हम पर किसी और का हक था। अब एक और सुनाऊंगा आपको बेस्ट। चल सारी गलती मेरी थी आज कबूल करता हूँ, चल सारी गलती मेरी थी आज कबूल करता हूँ, रोजाना तुझे याद करके वक्त फिजूल करता हूँ। वाह वाह, इन आंखों को अब तेरा इंतजार नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुझसे प्यार नहीं है। कैमरे में देखते देखते करना है भाई साहब, कैमरे में देख के। ठीक है ठीक है, शुरू से 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, वो आंटी जी बोल रही है अभी रुक जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ आंटी जी से बोल दो, आंटी जी रुक जाओ, आंटी जी रुक जाओ, आप खाना बना रहे, एक मिनट रुक जाओ। शायरी सुन लो भैया की, बोल दो। चल सार मेरी शायरी सुन लो प्लीज, आपसे निवेदन है, बहुत बेस्ट अल्फाज है मेरा। चल सारी गलती मेरी थी आज कबूल करता हूँ, रोजाना तुझे याद करके वक्त फिजूल करता हूँ, इन आंखों को अब तेरा इंतजार नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुझसे प्यार नहीं है, पर फिर से तुझे पा सकूँ इतनी मेरी औकात कहाँ, तुझमें तो है जान पर मुझमें वो बात कहाँ। वाह 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 वाह, क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आप रुके रहिएगा, दे देते हैं भैया को विशाल विंडो कूलर और फर्नीचर की ओर से छतरी नंबर 1 से 1 आपके लिए। और एलिस व्हीकल, ये सचिन तेंदुलकर रोड पर 100% कैश बैक चल रहा है एलिस पर, इलेक्ट्रिक बाइक है। हाँ हाँ देखा हुआ, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक है ये,
और सचिन तेंदुलकर रोड पर जैसे ही अपन डीवी सिटी की ओर चलेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी 100% कैश बैक चल रहा है। बना हुआ है ना इलेक्ट्रिक लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में बना है एलिस व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक है, बड़ा ही बड़ी शानदार चलती है। अगर आपके बजाज का कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 100% कैश बैक मिलेगा। हाँ, जिसकी लिमिट कम से कम 1,00,000 रुपये या 1,25,00,000 रुपये अगर हो रहा क्रेडिट कार्ड की, तो आपको अगर फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस कराने पर 100% कैश बैक मिलेगा, सीधे पैसा आपके अकाउंट में। थैंक यू सर।